वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अवदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाये तुलसी देवै प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम गत गल्ला श्रवण कर रहे थे वास्तव रूप में जीव का धर्म क्या है। इसलिए वास्तविक रूप में जीव का धर्म क्या है, बोले प्रेम है। प्रेम ही जीव का, यही वास्तव रूप में जीव का धर्म है। इसलिए कल सुन रहे थे कहते परम वस्तु में अणु वस्तु का जो निर्मल चिन्मय प्रेम है उससे जैव धर्म अथवा जीव संबंधी धर्म कहते हैं। कहते जैव धर्म किसको कहते हैं, कहते जैव धर्म उसे कहते हैं जब परम वस्तु में मतलब भगवान कृष्ण में कहते अणु वस्तु का जो निर्मल चिन्मय प्रेम, जो अणु वस्तु मतलब जो जीव है, हैं कहते जो भगवान के प्रति जो चिन्मय प्रेम है और निर्मल प्रेम है कहते वही जैव धर्म। बोले निर्मल प्रेम मतलब जिसको भागवत में बताए बोले सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रधक सजे आहय तुखे अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्ध है। इसलिए परम धर्म क्या है, बोले सबई पुंसा मतलब निश्चिंत रूप में प्राणी मात्र का एक ही धर्म है, धर्म कोई अलग नहीं। बोले वो धर्म क्या है, बोले भगवान को प्रेम करना। बोले प्रेम कैसे करनी चाहिए, बोले आहय तुकी बोले प्रेम में कोई कामना वासना नहीं रहनी चाहिए। ठाकुर जी इसलिए मैं तुमको प्रेम कर रहा हूँ, हमें ये चाहिए, उसका विनिमय में हमें ये चाहिए, नहीं आप हमारे पिता हो, हम आपकी संतान हैं, आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और वो सेवा कैसे होनी चाहिए, बोले कोई कामना वासना नहीं और निरंतर जब है वो प्रेम में कहीं बाधा नहीं रहनी चाहिए, वो कंटिन्यू भक्ति कंटिन्यू हो, मतलब जो कुछ करे बोले जेना तेना प्रकार कृष्ण मन निवेश है, किसी तरह से भगवान में अपना मन को निवेश करनी चाहिए। ठाकुर को हमारे मन संपूर्ण रूप में निवेश हो जानी चाहिए, बोले हर समय उसके स्मरण के बगैर और कोई हमारी स्मरण नहीं रहनी चाहिए। तुम लोग अंदर में क्या कर रहे हो, ए बच्चों क्या कर रहे हो अंदर, क्या काम है, हाँ
इसलिए कहते यही जीव का एक परम धर्म है। लेकिन फिर ये धर्म तो अगर एक हो जो प्रभु का प्रति प्रेम, फिर ये अलग अलग फिर क्यों दिखता है जगत में, अलग अलग क्यों दिखते हैं? बोले कारण है कि जो जीव है कहते ये विभिन्न प्रकार प्रकृतियों से युक्त है। हमारे अंदर में तरह तरह का प्रकृति, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, सभी का प्रकृति, सभी का चिंताधारा अलग, सभी का सोच अलग, अलग होने का नाते हैं। इसलिए जैव धर्म भी कुछ प्राकृत आकार के द्वारा विकृत रूप में दिखाई देता है। इसलिए जीव जैव धर्म क्या है, ये जीव का अलग अलग स्वभाव होने का नाते कभी सबके सब कुछ विकृत रूप में दिखाई पड़ता है। बोले क्यों? बोले मेरे हमारे स्वभाव एक, उनका स्वभाव अलग, उनका स्वभाव अलग। अब जिसका अंदर में जो स्वभाव वो उसी तरफ में चलेगा है। इसलिए जो रजोगुण के स्वभाव रजोगुण का प्रति जाएगा और रजोगुण को देवता को पूजा करेगा। जो तमोगुण में जिसका गुण है वो सब जितना तमोगुण युक्त जितने सब देवा देवी उनको हैं, जैसे माता देवी को उपासना जो करते हैं अक्सर करके, जैसे बलि चढ़ाते हैं, मांस खाएंगे हैं, मदिरा पान करेंगे, सिगरेट फूकेंगे, शिव को भी भजन करने वाले लोगों को प्राय ऐसे ही दिखाई पड़ता है। क्यों? वो जिसके अंदर में जो गुण होगा ना वो उस पर जाएगा। जैसे देखना कहीं मेला बैठा हुआ वा कहीं पार्क है, सब अलग अलग लोग बैठे हुए पार्क में। आप देखना जब एक व्यक्ति जाएगा ना वो देखेगा अलग अलग सब ग्रुप से बैठे हुए, वो ऐसे ऐसे देखेगा मेरे ग्रुप कहाँ पर है। अगर कोई शराब भी होगा ना, आप देखना जो शराब पिए होंगे व्यक्ति वो धीरे धीरे जाकर वहीं बैठ जाते, और जो गंजा पूंजते हैं देखिए यहाँ पर गंजड़ी कोई है कि नहीं है, जो गंजा पूंजने वाले बाहर धीरे धीरे जा करके हाँ क्या कर रहे हो क्या बात जाकर बस एक क्या लगा देगा सुटका लगा देगा, हाँ सुटका लगा देगा एक। क्यों? इसलिए आप देखना वो जैसे जैसे व्यक्ति होते हैं ना उसका जो रुचि है वो ऐसे ऐसे व्यक्ति का पर रुचि होगा। जो जुआ खेलने वाले देखेगा वहाँ पर कोई जुआरी है कि नहीं, फिर उसी तरह ये जीव के अंदर में सब अलग अलग स्वभाव होने का नाते ये धर्म भी विकृत रूप में, धर्म भी विकृत रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन दिखाई पड़ने पर भी इससे जैव धर्म की शुद्धावस्था को वैष्णव धर्म के नाम से अभिहित किया गया। इसलिए जीव का जो शुद्ध अवस्था है वो क्या है? वैष्णव धर्म। जिसका अंदर में भगवान की भक्ति प्रेम होगा वो क्या करेगा हैं, जिसको सत्व गुण का जो लोग हैं सात्विक लोग भगवान विष्णु सत्व गुण में, आप देखना विष्णु को भक्ति करेंगे। रावण शिव को पूजा करता था, क्यों? तो शंकर भी तामसिक गुण तम गुण में है, इसलिए रावण क्या किया बस उसको पत्नी को छेड़खानी करना, उतना पति को उठाकर पत्नी को उठाकर ले जाना और मांस खाना शराब पीना है लड़ाई झगड़ा इतना सब उसका अंदर में। क्यों? जिसको उपासना करता है उसको हाँ उसी देवता को पूजा करता है। इसलिए लेकिन ये जितने अवस्था है कहते सब विकृति अवस्था है, लेकिन एक ही शुद्ध अवस्था वैष्णव धर्म है जो भगवान विष्णु को भक्ति करते हैं है? विष्णु को जो भक्ति करते हैं। एक समय एक शैव एक वैष्णव में लड़ाई हो गई, जिस जो शिव को उपासना करता है जो भगवान विष्णु को उपासना करता है, तो लड़ाई जब लग गया फिर जो विष्णु को उपासना करता है बोले देख तुम जिस देवता को पूजा करते हो अगर उनको उनका भक्तों का नाम को लो तो तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा अपने आप। शंकर जी को उपासना करने वाले कौन? बोले रावण मिलेगा जो माँ सीता को उठा कर मिले हैं, क्योंकि उसका नाम लेते ही उसका स्मरण करते ही मन विकृत हो जाएगा। और उसका भक्त कौन? बोले ये बाणासुर है हैं, बाद में तो भक्त बन गया। और कौन भक्त है? बोले भस्मासुर, जो शंकर जी को भजन किया, शंकर जी बोले वर मांगो, बोले जिसका सर पर हाथ रखो वही जल कर राग हो जाए। शंकर जी तथास्तु, भोले बाबा तथास्तु बोल दिए। बोले आप सच बोला ना झूठ बोला प्रमाण कैसे हो? बस शंकर जी के सर पर हाथ रखने गए, शंकर भगे वहाँ से मारे मारे कर, इसलिए उन्होंने मारे मारे फिर हैं, फिर उन्होंने भगवान विष्णु को शरण में गए।
बोले कहते उनकी भक्तों का नाम लेते ही ना मन गंदा, और विष्णु का भक्तों का नाम लो सूरदास, मीराबाई हैं, महाश्री हमारे षड गोस्वामी, तुलसीदास, हनुमान जी हैं, जितने सब गोपियाँ, ब्रज गोपियाँ, उद्धव जी, ध्रुव, प्रहलाद, ये सब के सब भगवान विष्णु के भक्त हैं, इनका नाम लो मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए हम सवेरे सवेरे हैं जय ध्वनि देते हैं ना, हम जय ध्वनि क्यों देते हैं, कारण क्या है, कहते जय देने से जय होता है, बंगला में कहते जय दिले जय अवे जय दाव, कहते जय देने से तुम्हारी जय होता है, हैं जय देने से तुम्हारी जय होगा। इसलिए सवेरे सवेरे हम क्या करते हैं, सारे गुरु वर्ग का जितने भगवान विष्णु के भक्त है, कृष्ण भक्तों का सबके सब हम नाम लेते हैं, उनका जयकार देते हैं, क्योंकि उनको जयकार देने से तुम्हारी जय होगी, हैं जय देने से और उनको स्मरण करने से हृदय हमारी पवित्र हो जाएगा। इसलिए कहते अन्य अन्य धर्म में जिस परिमाण से वैष्णव धर्म उसी परिमाण से वो धर्म शुद्ध, दूसरे दूसरे धर्म में जितने परिमाण में ही वैष्णव धर्म है वो धर्म उतना ही शुद्ध, और जिसमें वैष्णव धर्म नहीं वो उतना ही अशुद्ध है। अभी कहते हैं कुछ दिन पहले मैंने ब्रजधाम में भगवत पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी के चरण में एक प्रश्न किया था। बोले क्या प्रश्न किया था सनातन गोस्वामी के चरण में, हैं बोले मुसलमानी मजहब में जो इश्क शब्द है उसका अर्थ निर्मल प्रेम से है या कुछ और से, ये प्रेम प्रश्न मेरा प्रश्न है। अभी हम जैसे भगवान करते प्रेम करते भक्त, मुसलमान भी तो करते हैं, मुसलमान भी तो भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन उनको जो प्रेम है मुसलमानी मजहब में कहते इश्क शब्द है, हम जैसे प्रेम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, इश्क कहते हैं उसको, हैं कहते वो जो इश्क शब्द व्यवहार करते हैं, कहते ये क्या वास्तव रूप में निर्बल प्रेम है ना कुछ और है, आप कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो गोस्वामी जी सब शास्त्र में पंडित और सनातन गोस्वामी, कारण है सनातन गोस्वामी पहले तो कर्नाटक ब्राह्मण धुरंधर विद्वान है, सारे संस्कृत ज्ञान है सनातन गोस्वामी को, हैं सारे भाई बृहद भागवतामृत जिन्होंने ग्रंथ किया है, हरिभक्ति विलास है, हैं इसलिए उनका टीका है सनातन गोस्वामी का, और उन्होंने लघु जो व्याकरण जो हम जो हरिनामृत व्याकरण को इन्होंने सबसे पहले रचना किया श्री सनातन गोस्वामी, इसलिए कि सनातन गोस्वामी धुरंधर विद्वान है, हैं एक तो हमारे सनातन धर्म में विद्वान, फिर उन्होंने नवाब का हुसैन शाह नवाब का अधीन में काम किया, इसलिए मुसलमान धर्म भी एकदम पूरा अच्छे तरह से जानते, इसलिए हर तरह से ये विद्वान थे श्री सनातन गोस्वामी। इसलिए गोस्वामी सर्वशास्त्र पंडित, विशेष करके अरबी और फारसी में तो उनकी पांडिता की कोई सीमा ही नहीं, इतने विद्वान हैं अरबी और फारसी भाषा में। तब रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि अनेक महामहोपाध्याय उसी सभा में उपस्थित थे। बोले जब उन्होंने प्रश्न किया वहाँ पर कौन कौन थे, बोले श्री रूप गोस्वामी थे, श्री जीव गोस्वामी थे, अनेक महाउपाध्याय वहाँ पर उपस्थित थे। बोले श्री सनातन गोस्वामी जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था, या उन्होंने उत्तर दिया था, देखो इस प्रश्न क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, हाँ मुसलमान धर्म में बात विचार कर रहे हैं, दूसरे धर्मों के ऊपर में क्यों विचार कर रहे हैं, इसको ये दिखा रहे हैं दूसरे दूसरे धर्म में जो प्रेम कहते हैं जिसको जीव कहते हैं वास्तव रूप में वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम वास्तव रूप में नहीं है, अगर कोई धर्म एक है ना वो सनातन धर्म है, इसलिए वो धर्म को सनातन कहते हैं। जो सब समय जो था, ये जो वैष्णव धर्म है ये धर्म कब से हुआ है, ये सृष्टि से पहले से, इसलिए कहते हैं भगवान स्वयं कहते, क्या कहते भगवान, कहते जो जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, कौन सा धर्म को भगवान रक्षा करने आते हैं, सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म भी ये जातिगत धर्म हो गया, ये जातियों का, ये हिंदुओं का धर्म है, ये मुसलमान का धर्म है, ये क्रिश्चियन का धर्म है, हैं ये सब धर्म अलग अलग हो गया, लेकिन जो सनातन धर्म है यही धर्म ही
शाश्वत धर्म। इसलिए देखना हमारे जो भक्त लोग हैं, कोई अमेरिका से है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अलग अलग जगह से क्यों है इसमें, कोई मुसलमान लोग भी हमारे ये धर्म को मुसलमान लोग भी विदेश में ग्रहण किया है, हैं मतलब क्यों किया, कारण है ये धर्म, ये हिंदुओं का धर्म नहीं, क्रिश्चियन का धर्म नहीं, ये मुस्लिम धर्म नहीं, ये जितने धर्म हैं ये कुछ दिन से सृष्टि हुआ है, हैं। इसलिए हिंदू नाम क्यों पड़ा, ही मतलब हिमालय पर्वत, दो मतलब बिंदु सरोवर, इसलिए भुवनेश्वर में एक बिंदु सरोवर है और हिमालय से लेकर के ये बिंदु सरोवर तक जो लोग रहते थे उनका नाम हिंदू नाम। लेकिन सनातन धर्म कौन सा धर्म में ज़्यादा रूप में दिखाई पड़ता है, कभी जो सनातन धर्म विशेष करके हिंदू धर्म में ही, दूसरे धर्म में इतना दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हिंदू धर्म में ही जो सनातन धर्म ज़्यादा रूप में दिखने को मिलता है, जैसे कृष्ण को भक्ति करना, राम को, नारायण को भक्ति, कौन सा धर्म में लोग करते हैं, हिंदू धर्म, और किसी धर्म में नहीं मिलेगा, भगवान की भक्ति करते हुए किसी धर्म में नहीं मिलेगा, मुसलमान में नहीं, क्रिश्चियन में नहीं, ये तो निराकार, उनको तो भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, हाँ वो सबके सब निराकार को उपासना करने वाले सबके सब हैं। इसलिए यहाँ पर बताए, हाँ तब उन्होंने श्री सना, वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ पर उपस्थित थे जब मैंने प्रश्न की, लेकिन वहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी ने उसको उत्तर दिया, भाई देखो जो इश्क शब्द का अर्थ प्रेम ही है, लेकिन इसके अर्थ मतलब क्या होता है, जो मुसलमान प्रयोग करते हैं ये उसको, इसको क्या बोलते हैं, प्रेम कोई इश्क कहते हैं, लेकिन मुसलमाना उपासक गण ईश्वर भजन के विषय में एक शब्द का जो व्यवहार करते हैं, किंतु प्राय एक शब्द से माई की प्रेम ही उनका लक्ष्य रहता है, प्रयोग तो एक शब्द करते हैं तो प्रयोग, लेकिन किसको प्रेम करते, बोले माई की प्रेम है, जैसे हम लोग भगवत प्रेम को ही प्रेम कहते हैं, प्रेम और कहीं नहीं पदवाच्य है जगत में, है ना, हाँ मैं इसको प्रेम करता हूँ, वो मेरे को प्रेम करता है, ये जगत में प्रेम है ही नहीं, ये जगत में तो बोले स्वार्थ ही स्वार्थ है, क्यों प्रेम कर रहे हो, जगत में प्रेम क्यों दिखाई पड़ता है, चूंकि तुमसे उसको कुछ मिल रहा है अभी, वो मिलना बंद हो जाए प्रेम खत्म, शादी के बाद में कहते ना आई लव यू, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर आई किल यू बोल करके कोर्ट में जाकर फिर लड़ते हैं, हैं हैं, किसने हमारे वो प्रभु जी बोल रहे थे, हमारे जीत प्रभु जी बोल रहे थे, दो पति पत्नी शादी होकर के आई लव मैरिज करके आए, बोले आ करके बोले हमें बाबा आशीर्वाद दे दो, जिस सात जन्म तक जैसे हम लोग सात फेरा करते ना शादी का समय में, सात फेरी करते हैं, क्यों सात जन्म तक हम कोई को किसको कोई किसको छोड़े नहीं, तब उन्होंने बोले नया नया प्रेम था, आकर बोले बाबा थोड़ा आशीर्वाद दे दो, हम नया नया शादी का जैसे सात जन्म तक जैसे हमारा प्रेम छूटे नहीं, सात जन्म तक ये आशीर्वाद है, बोले बाबा बोले भैया हम तो इतना बड़ा आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, तब कुछ दिन बाद में फिर दोनों फिर वो जो लड़की थी वो फिर आई, आ करके तब इसने पूछा बाबा कहाँ गया तुम्हारी पति, बोलते हम तो छूट छाट हो गया, हम तो छूट गया हैं, डिवोर्स हो गया, बोले तू बोल रही थी हमें आशीर्वाद दे दो, सात जन्म तो हम छूटे ही नहीं, अगर आशीर्वाद दे दो तो गड़बड़ी होता, बोले बाबा सात जन्म की क्या है, उसको साथ में सात दिन तक भी रह नहीं सकते, अब तो सात जन्म की बात कहते हैं, इसलिए इसी जगत में जो प्रेम है कोई प्रेम प्रेम इसी जगत में नहीं है, और जो प्रेम दिखता है ना, और जो प्रेम दिखता है चूंकि अभी तुमसे कुछ मेरे को मिल रहा है, एक दूसरे से कुछ मिल रहा है इसलिए ये संसार में ये प्रेम दिख रहा है, वो मिलना बंद हो जाए देखना प्रेम भी खत्म, वहीं पर प्रेम वहीं पर खत्म, मिलना बंद हो गया तो वहीं पर प्रेम खत्म, लेकिन प्रेम किसको कहते हैं, श्री राधा रानी कहती हैं आश्लिष्य वाम पाद रताम पिनष्ट माम अदर्शन करतुका हाँ जता तथा विदधातु लंपट मत प्राणनाथस्तु सैव नापत, ये राधा रानी कह रही है प्रेम कृष्ण का प्रति, बोले हे प्रभु हाँ आश्लिष्य वा पाद रताम पिनष्टु
भले ही आप मेरे को जितने दुख क्यों नहीं दे, प्यार को नीचे जितने रोंद क्यों नहीं दे, हैं, मेरे को भले ही आदर्श न दे करके मेरे विरह में मेरे को दिन रात तड़पाए नहीं क्यों, हैं, लेकिन प्रभु जो कुछ होने पर भी आप ही मेरा प्राण प्यार है, आप ही मेरे प्राण प्यार। इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं, न धनम न जन्म, हमको धन जन पुत्र परिवार हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके चरण में हमारी जन्म जन्मांतर तक आपके चरण प्रेमी रहे, आपसे हम प्रेम का विनिमय में हम कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं, हैं, इसलिए आपकी केवल हम सेवा करना चाहते हैं और कुछ नहीं, बस यही। हनुमान जी को जब भगवान बोले बेटा भर मागो, हनुमान क्या कहते हैं, बोले बार बार भर मागो हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। बोले प्रभु सत्संग दो, आपके चरण में अनुपायनी भक्ति दो, हेतु की प्रेम दो, यही चीज आप चरण में बारंबार प्रार्थना करते संतों की, हमें संग आपकी सेवा हमें मिलते रहे और हमें किस चीज़ की जरूरत नहीं, बात भगवान खुश होकर के आशीर्वाद दे दिए। इसको कहते हैं प्रेम है, क्या प्रेम में कभी खत्म नहीं होता है, प्रेम है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान लोग जिसको प्रेम कहते हैं, कहते प्राय करके कहते जो माय की प्रेम को ही वो लोग प्रेम कहते हैं, भगवत प्रेम को प्रेम नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको तो भगवान तो है ही नहीं, भगवान होता तो प्रेम होता ना, प्रेम कब होता है, जब कोई व्यक्ति होता तो प्रेम होता है ना, प्रेम तो उनको तो निराकार निर्विशेष को शून्यों को पूजा करते हैं, शून्यों को ही पूजा करते हैं, वहाँ पर प्रेम कहाँ, और प्रेम प्रेम कुछ है ही नहीं वहाँ पर। इसलिए कहते यहाँ लैला मजन मजन का इसका कोई इतिहास है ना, हाँ पिक्चर है, हाँ दोनों कैसे, दोनों को प्रति कैसे पागल है, हैं, हाँ कहते इतिहास और कबीवर हाफिज के इस वर्णन को देखने से यह प्रतीत होता है कि जवन आचार्य गण शुद्ध चित्त वस्तु क्या है इसको उपलब्धि नहीं कर सकते कर सके, हैं, इसलिए कहते लैला मजन इनका जो प्रेम है लोग इसको ही पढ़ते हैं, उसको ही देखते हैं, उसको ही उनका ही है, मतलब एक प्रेमिका 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 के प्रति कैसे वो उसका चिंता वो उसको के चिंता दोनों दोनों का चिंता में कैसे और डूब जाते हैं, ये शरीर का प्रेम है, ये शरीर का प्रेम है। इसलिए कहते उनको जो इतिहास में जो देखने को मिलता है, कहते इसका मतलब होता है, कहते शुद्ध वास्तव रूप में शुद्ध चित्त वस्तु क्या है, भगवान और भक्त क्या, उसको अंदर में उसके अंदर में कोई इनके धारणा नहीं, इसकी उपलब्धि नहीं कर सके, कहते वो स्थूल देह के प्रेम को और कहीं कहीं लिंग प्रेम को ही उन्होंने इसकी कहते हैं, वो लोग किसको प्रेम कहते हैं, ये शरीर संबंधी जो प्रेम को ये लोग प्रेम मानते हैं, और लिंग शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये जो लिंग शरीर इसको ही ये प्रेम मानते हैं, लेकिन वास्तव रूप में जो प्रेम कहते हैं उनमें मुसलमान धर्म में ये प्रेम नाम का कोई चीज़ है नहीं, केवल काम स्वार्थ और उसमें कुछ है ही नहीं है। इसलिए कहते हैं विशुद्ध चित्त वस्तु को अलग करके कृष्ण के प्रति जो विमल प्रेम होता है उसको उन्होंने अनुभव नहीं किया। कहते जो मुसलमान लोग जो विशुद्ध जो चित्त वस्तु, विशुद्ध चित्त वस्तु कौन, बोले भगवान हैं, और भगवान ही विशुद्ध चित्त वस्तु है, कर कृष्ण के प्रति जो विमल प्रेम होता है उसको अनुभव नहीं किया सकता। इसलिए कृष्ण का प्रति जीव का जो विमल प्रेम है उन्होंने उन लोगों ने ये चीज़ के प्रति कोई उनका अनुभूति है ही नहीं, वैसा प्रेम मैंने जबन आचार्य को किसी भी ग्रंथ में नहीं देखा। सनातन गोस्वामी कहते मैंने सारे मुसलमान का ग्रंथ मैंने पढ़ा है, लेकिन ग्रंथ में पढ़ करके हमने किसी ग्रंथ में ये सब चीज़ को हमने शुद्ध जो प्रेम को मैंने नहीं देखा, वैसा प्रेम मैंने जो कहते वह केवल वैष्णव ग्रंथ में ही मिलता है, लेकिन ये वास्तव प्रेम कहाँ मिलता है, कहते ये वैष्णव का वैष्णव ग्रंथ में ही ये वास्तव प्रेम केवल वैष्णव ग्रंथ में मिलता और कहीं नहीं मिलता। और देखो हमारे जो सनातन धर्म में कितने ग्रंथ है, मुसलमान धर्म में देखो एक ही कुरान और कुछ नहीं, क्रिश्चियन धर्म में देखो एक बाइबल,
और कोई ग्रंथ सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ हमारे देखो, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में देखो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, भारत की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने भारत के ग्रंथ हैं। इसलिए ये ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत है, 108 उपनिषद है, 8 पुराण है, 4 वेद है, महाभारत जैसे ग्रंथ है, हैं। इसलिए जो दूसरे दूसरे धर्म में है ना, जो धर्म के विषय में दूसरे दूसरे धर्म में बहुत थोड़ी सी ही वहाँ पर कहीं वर्णना है। अगर संपूर्ण डिटेल से रूप में, अगर किसी धर्म ग्रंथ में संपूर्ण डिटेल से रूप में जीव का क्या क्या, जैसे मनु संहिता ग्रंथ है, नारद पंचरात्र, फिर हमारे गोस्वामियों ने जो ग्रंथों को रचना किया है, कितने ग्रंथों को स्वामी रचना किया, कहाँ दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथ में थोड़ा एक एक ग्रंथ, और कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा, कोई ग्रंथ उनके धर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं जीव का जो पूर्ण जो विकसित है ना, जीव का जो पूर्ण विकसित होता है तभी वो व्यक्ति कहीं हिंदू धर्म में जन्म लेता है। इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते, बोले प्रभु हमें जन्म दो, कहाँ भारत में दो, वो विदेश में नहीं मांगते हैं, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी में नहीं मांगते हैं, कहते भारत में जो, बोले कौन सा घर में, बोले हिंदू घर में हमें जन्म होते। देवता लोग भी हिंदू घर में जन्म लेना चाहते हैं, और कलियुग में तो सत्य तृतीया द्वापर युग का लोग भी कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। कलियुग में महाप्रभु का धर्म में अनुप्राणित हो, जैसे हनुमान जी कहते कृष्ण महाप्रभु की लीला में कौन बन कर गए, बोलो महाप्रभु की लीला में हनुमान बताए, इसलिए मुरारी है। कहते ये चैतन्य महाप्रभु को है, चैतन्य महाप्रभु का भक्ति अवतार में उन्होंने आए, और महाप्रभु का अनुगत में भक्ति उन्होंने किया है। जो नृसिंहदेव को उपासना करते थे, श्री नृसिंहानंद, वो नृसिंहदेव को उपासना करते थे, इनमें आए। और जो कृष्ण लीला के जो परिकर था आई है, और महाप्रभु का परिकर सबके सब आए। फिर दूसरे दूसरे जितने जितने जो नारायण को भक्ति करते थे, वेंकट भट्ट रूप में वो जन्म लेकर के आए, महाप्रभु धारा में सबके सब, श्री महाप्रभु के धारा में ये सबके सब आए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि देखो जवन आचार्य जी का जो रूह शब्द, कहते ये जीव है ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। इसलिए कहते भगवान को तो इक्स कहते हैं, लेकिन कहते उनको जो हम जीव कहते हैं, मुसलमान उसको क्या बोलते हैं, कहते रूह। लेकिन वो जो हम लोग जो जो जीव, जो शुद्ध जीव को, जैसे कृष्ण कहते ना, जैसे ममे बाल से जीव लोक जीव भूत सनातन है, और जो जीव है वो मेरे अंश है, मैं जैसे सनातन जीव ही सनातन। वो लोग भी जीव को रूह कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, कृष्ण जैसे कहते मैं भी सनातन हूँ और ये जीव भी सनातन है क्योंकि मेरे अंश। लेकिन मुसलमान धर्म वो भी नहीं, वो सिद्ध जो सिद्ध जीव को भी, शुद्ध जीव को भी वो रूह जो शब्द कहते हैं, वो बद्ध जीव को ही रूह शब्द व्यवहार करते हैं। इसलिए बल्कि बद्ध जीव को ही वो रूह कह करके ऐसे जान पड़ता। और न किसी भी धर्म में मैंने विमल कृष्ण प्रेम की शिक्षा नहीं देखा। तो सारे फारसी अरबी सारे ग्रंथों को मैंने पढ़ा, सारे धर्मों को मैंने आलोचना की, सारे धर्मों को मैंने आलोचना की, लेकिन किसी धर्म में ये जो विमल जो वैष्णव धर्म है ऐसे धर्म और किसी धर्म में नहीं। इसलिए एक कोई व्यक्ति, हाँ एक व्यक्ति एक कहते एक वैष्णव को उन्होंने कहा, बोले फारसी धर्म में से आते थे, लेकिन वो बहुत बड़े आचार्य थे, लेकिन आचार्य थे लेकिन उनको उधार नहीं मिला। तो कहते वो किसी आकर उन्होंने कहीं क्या कहीं प्रेतात्मा कहीं बने बन करके उन्होंने किसी भक्तों को बोले, प्रभु हम चाहते हैं, मैं पहले अमुक धर्म का बहुत बड़े मैंने साधु था, लेकिन जो मुक्ति जो है ना, ये मुक्ति और किसी जीवन में नहीं, किसी धर्म में ये मुक्ति की बात नहीं, उधार होने का बात नहीं। अगर मुक्ति अगर कभी मिलता है ना, ये हिंदू धर्म में ही सनातन धर्म में भी मुक्ति मिलती है। इसलिए आप कृपा करके, मैंने पिशाच जन्म को प्राप्त किया, आप कृपा करके हमें ये उधार करें। जो उनके बड़े बड़े से साधु हैं उनको ही मुक्ति नहीं मिली,
फिर तो मुक्ति और किसको मिलेगा, उनको धर्म में मुक्ति कहाँ से मिलेगी। इसलिए जीव जब धीरे 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 संस्कार प्राप्त करते करके श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होता है तो हिंदू धर्म में आता है, और हिंदू धर्म में आने के बाद में भी अगर उसको विशेष संस्कार बनता है फिर ये वैष्णव धर्म में आता है, ये वैष्णव धर्म में आता है, नहीं तो जीव ये वैष्णव धर्म में सहज रूप में नहीं आता है। इसलिए कहते वैष्णव नाम सहस्रभ्य एकांतिक विशेषते, हजार हजार वैष्णव धर्म में भी हैं कोई कोई विरल, कोई कौन सा भक्त, कृष्ण भक्त, विशेष लोग कृष्ण भक्त प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते अन्य किसी धर्म, वैष्णव धर्म में साधारणतः कृष्ण प्रेम को उल्लेख है, वैष्णव धर्म में विशेषकर कृष्ण किसको बार में कृष्ण प्रेम की उल्लेख है, इसलिए भागवत में क्या बताया, धर्म प्रजीत कैतवत्र परम निर्मत शरणाम सताम वैद्य वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयम उन्मिलनम। इसलिए विषय रूप में जहाँ पर शुद्ध धर्म है यहाँ तक भी वैष्णव धर्म में जो धर्म जागत जो धर्म उसका अगर अर्थ उपार्जन करो, अर्थ उपार्जन करके संसार का खूब विषय भोग करो, नहीं तो स्वर्ग में जाओ रम भाव उर्वस मैंने काम के साथ में रहो घूमो खूब विषय भोग करो, लेकिन ये धर्म अर्थ काम को इसको तो पूरा निकाल दिया, इसमें धर्म नहीं, यहाँ तक भी जो उससे जो मुक्ति है मुमुक्षु जो मुक्ति, कोई कोई विरल व्यक्ति को ये मुक्ति के बारे में पता चलता है, लेकिन भागवत में तो वो मुक्ति को भी जो निर्भेद जो ब्रह्मानुसंधान जो मुक्ति ब्रह्म ये मुक्ति को भी यहाँ से निकाल दिया। इसे धर्म प्रजीत कैतव ये कपटता है निर्मत शरणाम सताम, भागवत में जो निर्मत सर साधुओं का जो धर्म भागवत में वर्णना है, जो वैद्य वास्तवम वस्तु शिवदम, जो वास्तव वस्तु कौन है, जो परमार्थ तत्व है कौन, भगवान कृष्ण की भक्ति, ये भागवत में ही ये वर्णना की गई। किंतु मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण चैतन्य के पहले किसी ने भी विमल कृष्ण ब्रह्म धर्म की शिक्षा नहीं दी, इसलिए कहते चैतन्य महाप्रभु से पहले उसको पहले धर्म आए, जैसे रामानुजी मध्व विष्णु स्वामी निम्बार सब बड़े बड़े आचार्य जता आए हैं, लेकिन कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ये प्रेम धर्म की जैसे संपूर्ण रूप में पूर्ण रूप में जैसे विकसित पूर्ण विकसित रूप में जैसे वैष्णव धर्म को उन्होंने शिक्षा दिया है, कभी लगता है और कोई आचार्य ने और किसी ने ये धर्म को इतने फैलाया नहीं। मेरी बात पर अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो यह सिद्धांत ग्रहण करो, मैंने ये उपदेश सुनकर गोस्वामी जी को बार बार धन्यवाद किया। इसलिए परमहंस बाबा जी महाराज कह रहे हैं ये बात को सुनकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैं कहते श्री बाबा जी महाराज को उन्होंने बारम्बार प्रणाम किया, मेरा अहोभाग्य है आप जैसे साधु गुरु जी का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ और आपसे हमें इतने सुंदर सुंदर विचार सिद्धांत को जो सुनने को मिलता है हमारा दुर्भाग्य जग गया है। इसलिए सन्यासी ठाकुर ने भी बाबा जी के मुख से यह सुनकर उसी समय दंडवत प्रणाम किया। इसलिए कहते उन्होंने क्या किया, इसको सुन करके गुरु जी के चरण में उन्होंने प्रणाम किया है, प्रणाम करते हुए क्या कहते, बोले परमा से बाबा जी कहा हे भक्त श्रेष्ठ अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कहते पहला प्रश्न का तो मैंने उत्तर दे दिया है, अभी दूसरा प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बोले एकाग्र चित्त से इसका उत्तर को एक मन से सुनो। इसलिए आप देखना शास्त्र में प्राय करके कहीं अगर विशेष कही जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बहुत सारी जगह में देखना बोलते हैं ध्यान देकर सुनो, मन को एकाग्रता पूर्वक सुनो हैं अक्सर करके सब। इसलिए जब महाप्रसाद की जय देते हैं साधु सावधान, महाप्रसाद की जब जय देते हैं ना कहते साधु सावधान, बोले साधु लोग सावधान होकर के सुना, बोले क्या है, बोले अभी जो प्रसाद पाने जा रहे हो वो दाल भात सब्जी खाने नहीं जा रहे हो, इसलिए प्रसाद इसलिए हम खाना शब्द नहीं करते बोलते हैं, हम खा रहे हैं नहीं, हम क्या कहते हैं प्रसाद सेवा करते हैं। बोले क्यों, बोले ये जो प्रसाद है ये भगवत अभिन्न, यद्यपि ऊपर दिखता है दाल भात सब्जी है हैं जैसे किसकी साधारण लोग घर में बनता है, लेकिन नहीं, लेकिन जो भगवान को अर्पित हो गया वो हो गया प्रसाद,
इसलिए प्रसाद सेवा, प्रसाद सेवा कर रहे हैं, मतलब हम प्रसाद को सेवा बुद्धि से, प्रसाद खा नहीं रहे हैं, उसको आस्वादन कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले पहले कृष्ण भोजन किया, फिर राधा रानी भोजन की, ललिता विशाखा, रूपा मंजरी, फिर श्री कमल मंजरी हैं, प्रभुपाद हमारे गुरु जी, इसको उन्होंने आस्वादन किया, उसको बाद में ये प्रसाद हमें मिला है, हैं। इसलिए हम प्रसाद को भी भोग बुद्धि से नहीं, प्रसाद को सेवा बुद्धि से हम लोग ग्रहण करते। इसलिए कहते एकाग्र, बोले साधु सावधान, प्रसाद सावधान हो जाओ, हैं। बोले महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यं बतांग राजन, जिसका कम पुण्यवान है इनके प्रति भगवत बुद्धि नहीं होता है, इनको भगवत बुद्धि नहीं होता, इसलिए सावधान करके शब्द में सावधान सावधान सावधान। और भक्ति जगत में सचमुच से हमें सावधान नहीं रहनी चाहिए, असावधान नहीं है, क्यों? यहाँ पर वैष्णव अपराध नहीं हो जाए, किस वैष्णव को चरण में नाम अपराध नहीं हो जाए, धाम अपराध नहीं हो जाए, जैसे हम सेवा करते हैं, हैं, सेवा करते समय भी सेवा अपराध नहीं हो जाए, हैं, जैसे मुंह में खाए उसी झूठा हाथ को अपना कपड़े में लगा लिया, समझ रहे हो? ये चीज़ अच्छे तरह समझो, जैसे मुंह में हाथ लगा लिया, उसी हाथ को तुमने कपड़े में लगा दिया, फिर उसी कपड़े से ठाकुर को तुम सेवा कर रहे हो, फिर क्या होगा? कपड़ा तो हो गया झूठा। अभी जो चीज़ ठाकुर को भोग नहीं लगा, इस चीज़ को अच्छे तरह समझ लो, जो चीज़ ठाकुर को भोग नहीं लगा, अगर तुम्हारी कपड़ा उसमें टच हो गया, फिर क्या हो गया? वो भी प्रसाद हो गया, वो ठाकुर के सेवा में दो बार फिर भोग नहीं लगे। इसलिए इसी विषय पर नहीं तो क्या होगा, सेवा तो कर रहे हैं, कभी कभी दिखाई पड़ता है हमारी भक्ति बढ़ी नहीं रही, भक्ति घटती जा रही, भक्ति करने पर धीरे धीरे गुरु वैष्णव भगवान ठाकुर का प्रति भावना तो बढ़ेगी ना, और गंदी चीज़ का प्रति अरुचि होगी, जो खराब चीज़ है उसका प्रति हमारी अरुचि होगा, मतलब उसका प्रति विरक्ति होगा, लेकिन जो गंदी चीज़ में हमारी आसक्ति होती जा रही है, बोले मतलब क्या है? कहते लगता है कहीं घड़ा में छेद है, घड़ा में तो पानी भर रहे लेकिन घड़ा में रुक नहीं रहे, बोले क्यों नहीं रुक रहे? कहीं छेद होगा जरूर, तभी तो जा रहे हैं ना। इसलिए हर चीज़ में हमें सावधानता पूर्वक हर काम को भगवान, विशेष करके भगवान की भक्ति में ये सब अपराध को ध्यान दे करके, ये सब चीज़ को ध्यान दे करके ये सब काम को करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जो कपड़े में हम लोग हैं ठाकुर को विशेष करके रसोई बनाते हैं, उसमें हैं जो रसोई बनाते हैं, जैसे पायखाना करते समय जाते समय अच्छे तरह से उस समय कमर तक धोनी चाहिए, और जो कपड़े में पायखाना करने बैठते हैं तो कपड़े को धोनी चाहिए, कमर तक धोनी चाहिए, हाथ पैर मुंह को अच्छे तरह से हमें धोनी चाहिए, नहीं तो अगर जिस कपड़े में हमने पायखाना किया उसी कपड़े में ठाकुर को किया, रसोई उसी कपड़े में, फिर रसोई बनाने में लग गए, नहीं। इसलिए एक कोई एक अलग कपड़ा रखनी चाहिए, जब पायखाना करने के लिए जाए उस समय में वो कपड़े को हम पहन करके जाए, हैं, वो कपड़े को एक जैसे साफी होता है ना बंगाल में, जो साफी पहनते हैं पायखाना करते समय, उस साफी को व्यवहार करनी चाहिए, वो साफी को जब पायखाना के बाद उसको धो दो कपड़े को धो दो, अपने कमर को धो दो, हाथ प्यार को अच्छे तरह से, मुँह को अच्छे तरह से उसको धोनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? फिर तो पेशाब करते समय पानी की व्यवहार करनी चाहिए, हैं, ये सब चीज़ को सावधानी पूर्वक हमें व्यवहार करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? भक्ति बढ़ेगा नहीं तो भक्ति भरे घटेगी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ, क्या करो, एक चित्त होकर की कथाओं को एक चित्त से सुना। बोले जीव सृष्टि और जीव गठन, ये जो शब्द ये माइक, कहती ये माई की सप्तम संबंध में व्यवहार होता है, हैं। इसलिए पहले प्रश्न किया ना, जीव अगर एक समय से ही कठित होता है उसको फिर ये अनादि शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, फिर ये अनादि शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? जीव जब गठन होता है एक समय से तो सृष्टि हुआ है ना, फिर कहते कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख, वो अनादिकाल से जीव भगवान को भूल करके आया है। कहते जीव सृष्टि और जीव गठन क्या है? कहते ये जो शब्द है ये माई के संबंध में व्यवहार होता है, जड़ीय वाक्य कुछ कुछ जड़ भाव को आश्रय लेकर कार्य करता है। देखो ये चीज़ को अच्छी तरह समझो,
बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए बोल दिए जे सावधान होकर एकाग्र चित्त से सुनो हैं। ये कहते कहते भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों अवस्थाओं में जो काल विभक्त है वो मायागत और जड़ीय काल है। हम कहते हैं ये काम हो गया अभी हो रहा है बाद में होगा है, जो तीनों अवस्था है कहते ये काल में विभक्त है और ये मायागत ही जड़ीय काल, पहले हो गया हो रहा है होगा मतलब ये जड़ीय काल है। चित्त जगत में जो काल वो सर्वदा वर्तमान, देखो ये चीज़ को हम समझ नहीं सकते इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन जो भगवान की जगत में ना वहाँ पर कोई चीज़ नहीं हो गया और कोई चीज़ बाद में होगा ऐसे नहीं, वहाँ पर जो काम होता नित्य वर्तमान। क्यों? वहाँ पर कोई चीज़ का नष्ट नहीं, वहाँ होने वाला नहीं, वहाँ वस्तु सबके सब दिव्य अप्राकृत चित वस्तु है, होने का नाते वहाँ पर कहीं हो गया होगा ये सब तो नहीं है, जो कुछ है वहाँ पर नित्य वर्तमान। उसमें भूत भविष्य रूप विभागत व्यवधान अंतर नहीं, भूत और भविष्य का कोई बात माने, जीव और कृष्ण उसी काल में विराजमान रहते हैं। कि जो जीव है फिर वो कहाँ पर, भगवान जैसे सनातन जीव भी सनातन कहते, उसी तरह जो जीव और जो भगवान ये क्या होता है कहते, ये हर समय नित्य वर्तमान में ही विद्यमान है ये, अतएव जीव नित्य और सनातन है। इस जड़ जगत में आबद्ध होने का बाद जीव की सृष्टि गठन पतन ये सब धर्म माया की काल के अंतर्गत जीव के आरभित हुआ है, इसलिए जब से जीव सृष्टि हुआ है इसलिए उसको ऊपर में चूँकि भगवान भूल करके संसार में हम आ गए, आने का वजह से जीव का जो सृष्टि उसका जो गठन उसका जो पतन ये माया की काल के अंतर्गत आया है, इसलिए जीव को आरोप किया गया। लेकिन जीव अनुपदार्थ होने पर भी चिन्मय और सनातन है, जड़ जगत में आने से पहले ही इसका गठन होता है। जैसे ये जगत में जीव जब आया, जब से हम भगवान को भूल कर जगत में आए, इसका मतलब क्या, पहले ये जीव था नहीं, पहले हम कहते जैसे इस जन्म हुआ है हैं, कहते इसका मतलब वो तो पहले था ना, अपना कर्म फल लेकर जीव आया, कहते उसी तरह कहते भैया जीव माया जगत में आया, क्या उसको पहले जीव था नहीं, बोले उसको पहले भी जीव था, उसको पहले भी जीव था उसका। चित जगत में भूत भविष्य अवस्था न रहने से उससे काल के जो कुछ होता है वो सभी नित्य वर्तमान, जीव और जीव का धर्म वास्तव में नित्य वर्तमान और सनातन, यह बात मैंने कही तो अवश्य किंतु आपने जहाँ तक शुद्ध चित जगत का भाव पाया है उसी तक आप इस कथन को यथार्थ अर्थ की उपलब्धि होगी, मैंने आपको आभास मात्र दिया। देखो ये एक बहुत बड़ी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं, देखा मैंने तो तुमको ये बात बता दिया, लेकिन अब ये चीज़ को तुम कितने समझ पाओ, जितने तुम भगवत भक्ति जगत में जितने प्रवेश किया है ना ये बात को तुम उतना ही समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, नहीं समझ पाओगे। जैसे उदाहरण दिया गुरुदेव, उदाहरण देते थे हैं, जैसे एक 5-6 साल की एक लड़की को अगर तुम प्रेम के बारे में बताओगे, लड़का लड़की में जो प्रेम है वो क्या 5-6-7-10 साल की बच्ची समझेगी, बोले पता नहीं क्या बोल रहे। लेकिन वही लड़की जब 16-18-20 साल की बन जाती है, जिसका जो शरीर का जो गठन में वो चीज़ आ जाती है शरीर में, उसको ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं। आप देखना थोड़ी सी केवल कोई चीज़ का हीट दे दो वो बहुत कुछ समझेगी, क्योंकि उसका उम्र हो गया, शरीर का गठन वैसे हो गया, इसलिए आप बोलोगे तो थोड़ी सी बात लेकिन वो समझेगी बहुत कुछ बात है। लेकिन आपने उसको थोड़ी सी बोल दिया प्रेम की बात, क्या उसी तरह ये भक्ति जगत भी ठीक उसी तरह का है, एकदम उसी तरह का भक्ति जगत है। इसलिए जिसको हृदय में जो जितने शुद्ध चित्त अनुशीलन करते वो बाद में बताएंगे, कहते शुद्ध अनुशीलन में सबसे बड़ा शुद्ध अनुशीलन किया है ये भक्ति जगत को कौन कैसे कितना प्रवेश कर सकता है, जो जितने चिन्मय अनुशीलन है, तो ये चिन्मय अनुशीलन में सबसे बड़ा अनुशीलन बताया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये हरि नाम को अहरह जप करो, क्या करो, उठते बैठते सोते अब जितने ये हरिनाम का आप जप करोगे ना, आपके हृदय में वो शुद्ध चिन्मय वृत्ति
आप देखना हृदय में अपने आप जगेगा, अपने आप जगेगा। इसलिए महापुरुष कहते सोते उठते बैठते क्या करो, हाथ में सेवा करो और भगवान की नाम करते रहो, हर समय नाम करते रहो हैं। इसलिए कोई कोई मंदिर में आते हैं आकर कुछ दिन रहने के बाद बोले कुछ हुआ ही नहीं, हमारी कुछ हुआ ही नहीं है हैं, इसलिए हमारी कुछ हुआ ही नहीं है, इतना दिन तक मंदिर में रहा अब तो कुछ हुआ है भैया। तो इसका मतलब भगवान की भक्ति में कमी है, भगवान की नाम में कमी है और तुम्हारे अंदर में पूर्णता है, हुआ नहीं क्यों? हमने जैसे भक्ति करना चाहिए था, कल जरूर पर लैले नाम प्रेम को जाए तहार स्वरूप लखन सुन राम राय। कहते कैसे हरि नाम करने से प्रेम होता है, उसका स्वरूप लखन को सुना है, जैसे जैसे नाम करनी चाहिए हमें, अगर वैसे नाम करेंगे हरि नाम करेंगे फिर तो हमें भगवत प्राप्ति तभी तो होगा है। लेकिन शास्त्र में जैसे बोलते अगर उसका उल्टा चलेंगे, गुरु वैष्णव से उल्टा चलेंगे हैं, फिर गुरु वैष्णव से धोखा देंगे हैं, उनको अगर धोखे देंगे फिर तुम कहाँ से मिलेगा, मिल नहीं सकती। इसलिए हमें एक तरह निष्कपट होनी चाहिए, हमारे अंदर में कोई कपटता नहीं, बाहर भीतर बराबर होनी चाहिए। हम बाहर एक दिखाएंगे अंदर में कोई चीज़ सोच रहे इनका तो कल्याण होना बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कपटता युक्त जो जीवन है, कहते ऐसे जीवन से पशु पक्षी कीड़े मकड़ बन करके रहना सही है, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए कपटता व्यक्तियों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है, कल्याण तो निष्कपट व्यक्तियों का ही कल्याण होगा। इसलिए हमें निष्कपट होकर के भगवान की भजन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो हम कोई ठग नहीं सकते हैं ना, वो तो बैठे हैं दिल में, तो बैठे वो सब चीज़ हमारी हृदय की सारी चीज़ को हमें देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे सारी चीज़ को वो देख रहे हैं। और फल देने वाले ठाकुर है, फल देने वाले कौन है, फल तो वही देंगे। इसलिए हमें निष्कपट हृदय होनी चाहिए, कपटता को छोड़ करके निष्कपट होकर के शुद्ध रूप में भजन करेंगे तभी तो भगवत प्रेम हमें प्राप्ति हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो चीज़ को इतना ही वो समझ सकता है जिसका हृदय जितने निष्कपट से चिदावन शीलन कर रहे हैं, निष्कपट से हरिनाम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं है? फिर जितने तो हमारे गुरुवर्ग को कैसे मिला है, प्रभुपाद को कैसे मिला, भक्ति विनोद ठाकुर को कैसे मिला, गौर किशोर बाबा जी महाराज को कैसे मिला हैं, हमारे गुरुदेव को कैसे मिला, फिर गुरुदेव को मिला हमें नहीं मिल रहे, मतलब कमी किसके अंदर में है, क्या भक्ति में कमी ना हमारे अंदर में कमी है, कमी हमारे अंदर है। इसलिए अपना अंदर का कमी को हमें दूर करनी चाहिए। इसलिए हमारे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं पर छिद्रानुष्य न परिवर्ते, अपना गलत गुली दूर करिवार चेष्टा करिवे, पहले दूसरों को दोष को मत देखा करो, ये हमको ऐसे कर रहा है, हमको ऐसे कर रहा है, हमको ऐसे, भाई नहीं, बोले दूसरे को दोष देखने से पहले अपने अंदर में जो छेद है वो छेद को पहले बंद करो हैं। इसलिए एक है जो जिसमें आटा, जैसे आटा चलाते हैं ना चलनी, वो चलनी सुई से बोल रहा है, सुई से बोले देख तुम्हारे चुतर में एक छेद है, क्या तुम्हारे पीछे एक छेद है, सुई कहता है मेरा तो एक छेद, लेकिन तू अपना देख कितना छेद तुम्हारी, तुम देखो तुम्हारी अंदर में कितना छेद पहले देख, तुम मेरे को कह रहे हो मेरे पीछे एक छेद, लेकिन तुरे पीछे कितना छेद है। इसलिए कभी भी, इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते खबरदार कभी भी दूसरों को छेद को मत देखा करो, दूसरे दोष देखने से पहले अपना अंदर में जो गलत है उसको दूर करने के लिए कोशिश करो हैं। दूसरों को छेद देखोगे तो दूसरा का जितने सब अपगुण है ना धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में धीरे धीरे आना शुरू हो जाए, एक दिन देखोगे तुम ही हो गए खराब और वो हो गया, वो तो था ही खराब, वो था ही खराब, था वो दूसरा हो गया, दूसरा हो गया। इसलिए गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुनाते थे, एक बेस्या रहती थी एक जगह पर, एक साधु रहता था वो आस पास में रहता था, वो जो साधु है ना दिन रात वो बेस्या की चर्चा करते, देखो अमुक व्यक्ति आ रहा है, देखो दिन भर गंदा काम करते रहते कोई सत्कार में नहीं, देखो सारे उल्टा पुलटा लोग आ रहे हैं उसके पास में, लेकिन वो जो बेस्या थी ना वो दिन भर साधु को चिंता करता था, बोले देखो कितना अच्छा आदमी है, भक्त लोग आते हैं हरिनाम करता है, मैं कितने दुष्टा हूँ हैं, मैं कितने दुष्टा हूँ, दिन भर गलत काम करती रहती हूँ,
एक साधु वेश्या, वेश्या साधु का। एक दिन क्या हुआ, भूचाल आया, भूचाल आया तो दोनों ही मर गए। साधु के पास में जमदूत आया और वेश्या के पास में विष्णुदूत आया। जब वेश्या के पास में विष्णुदूत आया, वेश्या कहती, भैया मैं वेश्या हूँ, जो साधु है ना वहाँ रह रहे हैं, अब वहाँ चले जाओ, साधु रह, तुम गलती से आ गए, वहाँ चले जाओ। और साधु के पास में आया जमदूत, साधु के दैत तुम मेरे पास में क्यों आए, वो वेश्या वहाँ रहती, वहाँ चले जा, वेश्या के पास में तुम मेरे पास में क्यों आए हो, हैं, इसलिए मैं साधु हूँ। वो दोनों कह रहे, हम सही जगह पर आए हैं, हम गलत जगह पर नहीं आए, क्योंकि तुम जो चिंता करती थी वो वेश्या का चिंता हर समय क्या करता था, और वेश्या हर समय तेरा चिंता करता था, इसलिए जो फल जो उसका उसका जो फल है ना वो पूरा का पूरा उल्टा फल हो गया, उसका उल्टा फल। इसलिए सब कुछ सोच गोबर में, सब कुछ सोच गोबर में निर्भर करता है। इसलिए दूसरों को गलती देखने से पहले अपना गलती को दूर करो, और क्या करो, भगवान के हरि नाम निष्कपट होकर के, कपटता को छोड़ करके, दूसरे की दोष मत देखा करके, अपना दोष को देखो, देख करके अपना दोष को दूर करो, और हर समय क्या करो, हरि नाम करो। यहाँ पर कहते भक्तिमय ठाकुर, सबसे चिदावन सुलन में सर्वश्रेष्ठ श्री हरिनाम संकीर्तन। इसलिए कहते निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। अगर निरपराध को साथ में हरिनाम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमें जरूर एक दिन भगवत प्रेम हमें जरूर प्राप्त होगा, एक दिन हमें ठाकुर जरूर हमें मिलेगी। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि गौर।